किसान भाइयों नमस्कार। ये रक्षाबंधन का दिन सभी को मुबारक हो, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारी बहनें अपने भाई भाभियों से मिलने आती हैं, उनका सम्मान करें, घर पर रहकर उनका स्वागत करें। हमारी बहनें खुश रहेंगी तो हमारे घर में तरक्की होगी। भाइयों, आज मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कल ही प्रोग्राम बना लिया था कि आज के दिन मैं छुट्टी करूंगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा रुकना चाहिए। अपनी बहनें, चाचा ताऊ की, अगर पड़ोस की मुंह बोली बहनें, उनको बुलाना चाहिए अपने घर पे। आमंत्रित करेंगे तो जब ही आएंगे बेचारी बाहर की, तो और उन्हें खुश करें, इज्जत करें। अगर हम उनसे सही नहीं बात करेंगे तो वे अगली बार नहीं आएंगी, उनको दुख होगा। जब उनको दुख होगा तो परमात्मा भी नाराज़ होंगे, तो हमारे घर में बरकत कम हो जाएगी। इसलिए हमारी सगी बहन हो, बेटी हो, परिवार की हो, घर कुनबे की हो, सभी को इतना प्यार दो, इतना सम्मान करो, उनको गिफ्ट दो। घना ना दो, थोड़ा दे दो, जो भी हम बन पड़े अपने इच्छानुसार। लड़कियां बेचारी दुआएं बहुत देती हैं और उनकी दुआएं भगवान सुनता है और वो हमें फलती हैं, इसलिए लड़कियों के देने से कभी घाटा नहीं आता। अपनी हो, बिरादरी की हो, गैर बिरादरी की हो, गांव की लड़की हो, कहीं भी मिल जाए उन्हें, उनका सम्मान हम करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, तो वे बहुत दुआएं देती हैं। कई बार मुझे अपने गांव की लड़कियां मिल जाती हैं तो मैं उनको बिना मिलाई के दिए कभी नहीं आता, और वो बड़ी खुश होती हैं बेचारी। बाबा आइयो, चाचा आइयो, ताऊ आइयो, जो भी रिश्ता बेचारियों का लगता है, अच्छा लगता है, एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है जब कोई लड़की अपनी जान पहचान की मिलती है। तो भाइयों, मेरा निवेदन यह है कि बहन अपनी हो या पराई हो, सब अपनी बहनें हैं, सभी का सम्मान करो, सभी की इज्जत करो। रक्षाबंधन के दिन घर पर रहकर उनका इंतज़ार करो, उन्हें खाना खुला कर भेजो, मिठाई खिलाओ, मतलब उन्हें इतना खुश करो कि वे अगली बार भी आएँ। कह दो, कहो कि बहन अगली बार भी आना है तुम्हें। वो बेचारी समय निकाल कर आती हैं, हम तो नहीं जा रहे, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर हमारी बहनें हमारे घर आ रही हैं तो उनके लिए हम समय तो निकाल लें। तो भाइयों, इसलिए एक दिन की छुट्टी मनाओ, तो मेरा तो ये कहना है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। नमस्कार।